बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, हम सभी मूवीज फैंस को सस्पेंस और थ्रिल इतना ज्यादा पसंद होता है कि हम लगभग हर एक एंटरटेनमेंट से सस्पेंस और थ्रिल एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हालांकि ओटीटी का ट्रेंड शुरू होने के बाद इंडियन सिनेमा ने भी अब लव और रोमांस को साइड में रखते हुए अलग अलग किस्म की वेब सीरीज के जरिए क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल इन जॉनर्स को, इन जॉनर की वेब सीरीज को पूरी तरह से फील करते हुए हमारा पसंदीदा एंटरटेनमेंट हम लोगों को ऑफर करने लगे। तो आज के इस पोस्ट में हम इंडियन सिनेमा की क्राइम और सस्पेंस से भरपूर टॉप 7 इंडियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। इस पोस्ट में 2021 की भी कुछ देखने लायक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज शामिल की गई हैं। अगर क्राइम थ्रिलर का चस्का आपको भी है तो फिर आपको हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी ही मजेदार क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में। नंबर 7 पे है मंदार। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2022 में। नंबर 7 पर एक डार्क इंडियन क्राइम थ्रिलर सीरीज जो विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले मैकबेथ का लूज एडॉप्टेशन है। जो दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज देखते हैं उनके लिए तो ये वेब सीरीज बिल्कुल नहीं है। जो दर्शक एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर कंटेंट का डिस्कवर करने की चाह रखते हैं उनके लिए ये बंगाली क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मंदार है। मतलब कि पावर कैसे इंसान को पागल कर देती है, इसी से जुड़ी लालच, हवस और पावर की कहानी ये सीरीज हमें दिखाती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन इसका डार्क नैरेटिव इसे देखने में मुश्किल वेब सीरीज बना देता है। हॉरर वेब सीरीज ना होते हुए भी इसके कुछ पल, झलक और सीन्स काफी डरावने हैं। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के चाहने वालों को तो इंडियन सिनेमा की ये यूनिक थ्रिलर सीरीज ट्राई करनी चाहिए। पोइचोई ओरिजिनल ये बंगाली क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। आप इसे फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 माई। रिलीज हुई थी 2022 में। आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 7.3 out of 10। नंबर 6 पे एक हाल ही में रिलीज हुई फैमिली इंडियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो एक भयानक बदले की कहानी हमें दिखाती है। 15 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 2017 की बॉलीवुड फिल्म मॉम की तरह है। क्राइम और बदले की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे सामने रखती है। इस वेब सीरीज का नाम है माई। वेब सीरीज में हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास माँ के सामने उसकी बेटी की मौत हो जाती है। तब दुख से ज्यादा उसका बदला लेने वाला इमोशन बाहर आता है, जिससे ये वेब सीरीज काफी थ्रिलिंग बन जाती है। वेब सीरीज की शुरुआत के एपिसोड एकदम राइट डायरेक्शन में जाते हैं। क्राइम, थ्रिलर और इमोशन का अच्छा कॉम्बिनेशन सीरीज में हमें देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट वाले एपिसोड थोड़े बहुत फीके नजर आते हैं। वेब सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर और ट्विस्ट डाल दिए की वजह से स्टोरी जस्टिफाई नहीं कर पाती। इन सब नेगेटिव के अलावा वेब सीरीज की स्टोरी और इसकी सुपरस्टार कास्ट, लाजवाब परफॉर्मेंस इसके पॉजिटिव पॉइंट है। एवरेज देखा जाए तो 40-45 मिनट के 6 एपिसोड के साथ इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर आप इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पे है नक्सल बारी। ये रिलीज हुई थी 2020 में। आईएमडीबी पर रेटिंग मिली थी 7.9 out of 10। ये भी एक इंटरेस्टिंग इंडियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो एक विद्रोह, एक गुप्त मिशन और एक बोल्ड ऑफिसर हमें दिखाती है। ये हिंदी थ्रिलर वेब सीरीज नक्सल बारी वैसे तो एक पुरानी वेब सीरीज है जो 2020 के एंड में रिलीज हुई थी। इस सीरीज की थ्रिलिंग स्टोरी महाराष्ट्र में सेट है और एक स्पेशल टास्क फोर्स के महान और निजर एजेंट को फॉलो करती है जो नक्सल विद्रोह को रोकने के लिए एक सीक्रेट मिशन पर जाता है। शुरुआत से ही ये सीरीज एक अंधेरी दुनिया में आपको लेकर जाएगी। अंत में जाकर वेब सीरीज थोड़ी धीमी होती है, लेकिन इसके एपिसोड एवरेज 30 मिनट के हैं। टोटल 9 एपिसोड के साथ ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज Z5 पर स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। नंबर 4 ये काली काली आंखें। ये रिलीज हुई थी 2022 में। ये एक कमाल की इंडियन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसने इंडियन वेब सीरीज की दुनिया में एक और अनोखी कहानी शामिल कर दी। क्राइम, ड्रामा और रोमांस का एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ये काली काली आंखें हैं। इस दुनिया का लगभग हर एक जवान आदमी चाहता है कि कोई सुंदर सी कन्या उसके जीवन में आए, लेकिन इस वेब सीरीज का हीरो ऐसा नहीं चाहता है। और जब इसके जीवन में एक सुंदर कन्या की एंट्री होती है तब ये हीरो विलन बन जाता है। लव शब्द में जो एल होता है उसका मतलब होता है जिंदगी का एल लगना, और ये वेब सीरीज इस बात को एकदम सही साबित करती है। इसकी स्टोरी, बेहतरीन स्टार कास्ट, अट्रैक्टिव डायलॉग्स और लाजवाब म्यूजिक मिलकर इसे एक अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज बना देते हैं। और एंटरटेनमेंट का ये पैकेज आप भी जरूर ट्राई कीजिए। 14 जनवरी 2022 को इस वेब सीरीज का पहला सीजन रिलीज हुआ।
जिसमें टोटल 8 एपिसोड है जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे है अननायक। ये रिलीज हुई थी 2021 में। IMDb पर रेटिंग मिली थी इसे 7.8 out of 10। मतलब कि सीरियल किलर और पुलिस के बीच एक थ्रिलिंग चेस और अट्रैक्टिव मिस्ट्री वाले इंडियन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज। OTT की दुनिया में इसका कॉन्सेप्ट कुछ नया तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी तरह से बनाया हुआ कॉन्सेप्ट जरूर है। नेटफ्लिक्स की ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज हमें दिखाती है एक छोटा कस्बा जहाँ टेंशन हमेशा बनी रहती है और यहाँ का हर एक सिटीजन अपने साथ कुछ राज दबाए बैठा है। इस कस्बे में एक ऐसा क्राइम होता है जो 2 पुलिस अफसर को एक जंगली शिकार पर ले जाता है। दोस्तों, इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की स्टोरी काफी सिंपल, जिसे बहुत ही कम टाइम में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें 8 एपिसोड मिलते हैं जो कुछ जगहों पर तो बहुत लंबे खींचे हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ही अमेजिंग। तो इस तरह से इस वेब सीरीज का लंबा समय इसका नेगेटिव कारण बनता है। लेकिन वेब सीरीज के दोनों टैलेंटेड लीड एक्टर्स रवीना टंडन और परमवर्ता चट्टोपाध्याय कहानी के मेन एक्टर और स्क्रीन टाइम को कम करके वेब सीरीज को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दिसंबर 2021 में रिलीज हुई इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में 8 एपिसोड है जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 एस्केप लाइव। ये रिलीज हुई थी 2022 में। IMDb पर रेटिंग मिली है इसे 8.2 out of 10। मतलब कि एक कमाल की सोशल इंडियन थ्रिलर वेब सीरीज जो कंटेंट क्रिएशन और सोशल नेटवर्क की दुनिया का डार्क साइड दर्शकों के सामने रखने की पूरी कोशिश करती है। 20 मई 2022 को रिलीज हुई हॉटस्टार स्पेशल सीरीज एस्केप लाइफ हमें दिखाती है कि सच में एक क्रिएटर के लिए कंटेंट कितना मायने रखता है और एंगेजमेंट के लिए क्रिएटर किस हद तक जा सकते हैं। ये एक्शन थ्रिलर सीरीज 6 नॉर्मल इंडियन क्रिएटर्स की स्टोरी है जो बहुत ही फेमस और सौभाग्य है और एस्केप लाइफ नाम की एक सोशल मीडिया ऐप पर बड़ा प्राइज जीतने की कितनी फाइट मारते हैं। अब ये कॉम्पिटिशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है थ्रिल का लेवल और भी बढ़ता जाता है। फिलहाल सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर का जो ट्रेंड है उसके चलते इंडियन सिनेमा की ये अनोखी वेब सीरीज हर एक फिल्मी फैन को मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसमें दिखाई गई कहानियां और एक थ्रिलिंग कंटेंट आपको एंड तक एकदम एंगेज रखेगा। 1 घंटे का 9 एपिसोड इसके फर्स्ट सीजन में है। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पे है तब्बर। सीरीज रिलीज हुई थी 2021 में। IMDb पर रेटिंग मिली है इसे 8.5 out of 10। एक बार फैन पसंदीदा इंडियन थ्रिलर वेब सीरीज, एक ऐसी स्टोरी जो क्राइम के साथ साथ फैमिली बॉन्डिंग दिखाते हुए एक इमोशनल एक्सपीरियंस दर्शकों को देती है। सोने लिप ओरिजिनल वेब सीरीज तब्बर अपने कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन की वजह से फैन की पसंदीदा बन चुकी है। एक हैप्पी फैमिली और इस पर स्टोरी का सेंटर पॉइंट बनती है। इस परिवार का हेड एक पूर्व पुलिस अफसर होता है जो सारी दिक्कतों का सामना भी करता है और दुर्भाग्यवश दुर्घटना के बाद अपनी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करता है। इस वेब सीरीज का ड्रामेटिक प्लॉट एकदम अच्छे से लिखा हुआ है और एक्टर्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इसे बहुत अच्छी और एंगेजिंग बना देती है। इसके शुरुआत के एपिसोड थोड़े धीमे नजर आते हैं क्योंकि स्टोरी सेट होने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन इसका सेकेंड हाफ एकदम इंटेंस जहाँ क्लाइमेक्स धीरे धीरे सामने आना शुरू होता है। ये वेब सीरीज सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा और स्टोरी किसी भी ढंग से आपको निराश नहीं करेगी। अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई इस वेब सीरीज में 30-40 मिनट के 8 एपिसोड आपको मिलेंगे जिन्हें सोनी लिव पर आप इंजॉय कर सकते हैं। ये थी कुछ 7 अमेजिंग थ्रिलर वेब सीरीज। दोस्तों, इंडियन सिनेमा हो या फिर हॉलीवुड सिनेमा, कंटेंट की कमी किसी के पास भी नहीं। लेकिन अगर आप एक सच्चे मूवी फैन हैं जो टाइम की वैल्यू ऑफर करने वाले क्वालिटी कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।